नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, क्योंकि भैया आपको पता है हर कंट्रीज़ नियम बदलती जा रही है, जैसे कोविड में सुधार होता जा रहा है, हर बार कुछ नए नियम निकल के आ जाते हैं। उन नियमों को, उन कानूनों को, उन लाज को हमें फॉलो करना हमारी मजबूरी है। जी हाँ साथियों, जैसा वो बोलेंगे हमें करना पड़ेगा, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे हमें अच्छा न लगे। अच्छा नहीं लगे तो घर पर बैठे रहो, अगर अच्छा लगता है तो वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो मैं बता दूं साथियों आपको कि भाई इलीगल वर्कर, जी हां साथियों आपको पता है, बता दूं 10 अगस्त तक, जी हां साथियों, पहले उनको छूट दी गई थी जिनके वीजा 1 मार्च के बाद में एक्सपायर हुए थे, उनको 1 महीने का टाइम ग्रेस पीरियड और दे दिया। अभी 17 अगस्त 18 अगस्त उनकी थी जिनका वीजा 17 मार्च से पहले एक्सपायर हुआ, यानी 2019 की तरफ की बात कर रहा हूं, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, उनको 17-18 अगस्त लास्ट थी। लगभग लोग निकल गए जल्दबाजी के चक्कर में कि भाई हमारे ख़राब न हो जाएं, हमें फिर हमारा जुर्माना भरना पड़ेगा, ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, दोबारा दुबई वे जाने लायक नहीं रहेंगे। एक मेरा भी निजी आदमी था, वो दुबई से 17 अगस्त को आ चुका था। जी हाँ साथियों, हालांकि एजेंट ने उसके साथ चीटिंग की, वो आने वाले वीडियो में हम दोबारा से पूरी विस्तार से बातें करेंगे। लेकिन उसमें मैं बता दूं कि अभी सरकार ने 16 अगस्त को, जी हां साथियों, उसमें टाइम बढ़ा दिया, जो जिनका वीज़ा 1 अगस्त से पहले एक्सपायर हुआ 2019 की तरफ बात करूं, उनको सरकार ने रिलीफ देते हुए 3 महीने का टाइम और दे दिया। जी हां साथियों, 17 अगस्त का टाइम था, 17 सितंबर, 17 अक्टूबर, 17 नवंबर, जी हां साथियों 17 नवंबर तक का उनको टाइम दे दिया गया, 3 महीने। भैया आप जो लोग दुबई में बैठे हैं, इलीगल हैं, जिनके पास वीज़ा नहीं है, तो आप 3 महीने तक का टाइम है, 3 महीने तक आप कभी भी आ सकते हो। 1 मार्च से पहले जिनका वीज़ा एक्सपायर हुआ है, मतलब 2019 की तरफ की मैं बात करूं, तो वो अभी आप कभी भी आओ, आपका ब्लैकलिस्ट नहीं होगे, जुर्माना नहीं लगेगा, और जो भी प्रोसेस है उसके लीगल तरीके से आप आ सकते हैं। और जहां तक मैं सोचता हूं, हो सकता है साथियों सरकार कुछ नई अपडेट दे दे कि भाई अब जो इलीगल वर्कर हैं उनका जुर्माना हम माफ़ कर देंगे, अगर वो चाहें तो यहाँ वीज़ा लगवा सकते हैं। अगर ये नियम निकल जाए सरकार की तरफ से, यूएई सरकार की तरफ से, तो सोने में सुहागा हो जाए, आपको इन आउट का चक्कर नहीं करना पड़े, आपको दोबारा से वीज़ा नहीं लेना पड़े, आपको दोबारा से टिकट नहीं देने पड़े। क्योंकि इन आउट का मतलब होता है कि आप मान लीजिए 35-40 हज़ार की टिकट है, फिर वीज़ा 50-60 हज़ार का आपका खर्चा है, तब आप दोबारा दुबई में पहुँचोगे विजिट वीज़ा में, ठीक है। तो इससे बढ़िया है सरकार यही बोल दे कि भाई ठीक है आप यहाँ पे वीज़ा लगवा लो, हमें वीज़ा की फ़ीस दे दो, वीज़ा तो आपकी कंपनी देगी, आप दो, आप आपकी वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बाकी बस यही न्यूज़ थी कि भाई सरकार ने 3 महीने का ग्रेस पीरियड और दे दिया है जिनके वीज़ा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हुए थे, और जिनके वीज़ा 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुए थे उनको भी 1 महीने का टाइम दिया था, 10 अगस्त उनकी टाइम लास्ट था, उनको 10 सितंबर उनका टाइम दे दिया गया। जी हाँ, बस ये अपडेट थी साथियों। नए वीडियो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।